हिसार वालों का जोश तो अपने स्थान पर कायम है ना, भारत माता की। ये बहने सुन रही है, बोल नहीं रही है। भारत माता की। मेरा निवेदन है कि जरा सभा को सभा की तरह ले, ये जो लोग खड़े हुए कुर्सियां हैं वहां भी आवाज उतनी बढ़िया सुनेगी, खड़े खड़े थक जाएंगे। यहां से आओ आगे, ये जगह छोड़ दो भाई, रास्ता छोड़ दो, ये मीडिया वाले इधर हो जाए, मीडिया वाले रास्ते में ना खड़े हो, या तो इधर हो जाए या पीछे हो जाए, इधर इधर से आओ, इधर से आओ, ये रास्ता खाली छोड़ो, आप पीछे जाओ, खड़ा रहने के लिए नहीं, वहां 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 बैठ जाओ, आ जाओ आ जाओ, चलिए। आज हिसार के इस पटेल नगर में बहुत ही प्रबुद्ध नागरिक इस सभा में उपस्थित हैं। मैं चूंकि लोकतंत्र में ये 5 साल के बाद एक चुनाव का यज्ञ आता है, इस यज्ञ में पहले भी लगातार आता रहा हूं, आज फिर से जो आज की मेरी भूमिका है उस भूमिका में आ रहा हूं। मंच पर हमारे वर्तमान हिसार में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नाते, और आपने लगातार उनको पहले भी बड़े वोटों के मार्जिन से और विधायक चुना, लगातार आप मंत्री भी इस नाते से हरियाणा सरकार के अंदर रहे, और पूरे प्रदेश में अपने विभाग जो भी इनके पास रहे उस नाते से इन्होंने बढ़िया काम किया है। बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व के नाते डॉक्टर कमल गुप्ता जी, जन जन के चहेते आपके बीच में वर्षों से काम कर रहे हैं भाई। थोड़ा देखो जनता को बैठने तो, मेरे मित्रों आप तो साइड में खड़े होकर भी कहीं ले लोगे मेरा फोटो, थोड़ा साइड में हो जाओ और साइड में हो जाओ, मुझे जनता को संबोधन ज्यादा देना है आपकी, साइड में आओ और साइड में आओ, पीछे हमारी बहनें बैठी हैं उनके बीच में मत आओ, थोड़ा और पीछे हो जाओ, अरे हो जाओ सिक्योरिटी वालों, मैं अब आ सकता हूँ, इधर भी आ सकता हूँ, और सिक्योरिटी पीछे हो जाओ, इनको और इधर आना चाहिए। मित्रों सभा को सभा की तरह चलाना हमारा एक दायित्व तो बनता है। एक लक्ष्य तो साफ है, क्या, कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बना करके एक नया रिकॉर्ड स्थापित करना है। यह लक्ष्य तो सबका है, और इसके साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में हिसार विधानसभा के विधायक का कि अपना एक विशेष रोल पहले भी रहता रहा है, इस बार भी रहेगा, यह भी साफ है ना, यह है कि नहीं है साफ। ये नहीं है आपकी बात, सरकार भाजपा की बनेगी, पर हिसार से भाजपा का विधायक हारेगा। आप मैं जिताऊं तुझे? आप तुझे जिताऊं मैं? पकड़ लो इसको, अरे इसको पकड़ लो, ले जाओ पकड़ के, ले जाओ पकड़ के बाहर, हिम्मत कैसे होगी इसकी, अरे पकड़ के ले जाओ इसको बाहर।